वैसे तो इंडिया में बहुत सारी ब्रिजेस हैं जो अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटी के लिए जानी जाती है, जैसे कि मुंबई की बांद्रा वर्ली से लिंक, पश्चिम बंगाल की हावड़ा ब्रिज, पम्बन आइलैंड की पम्बन ब्रिज, या फिर इंडिया की सबसे लंबी 9.15 किलोमीटर लंबा धोला सादिया ब्रिज जो कनेक्ट करती है आसाम और अरुणाचल प्रदेश को। ऐसा ही एक ब्रिज है नागपुर जिले के अंबोरा विलेज के पास, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD द्वारा बनाया जा रहा है। एंड बाकी ब्रिजेस की तरह ये ब्रिज भी अपने आप में एक स्पेशल ब्रिज है और आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। नागपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर अंबोरा विलेज में वही गंगा नदी के ऊपर देश का पहला केबल स्टेट ब्रिज बनने जा रहा है, जिसका स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर बनने वाला है एक व्यूइंग गैलरी, जहां से आप इस पूरे एरिया को अच्छे से देख सकते हैं। ये देश का पहला ब्रिज होगा जिसके ऊपर ऐसी सुविधाएं दिए जा रहे हैं। ये ब्रिज कनेक्ट करता है नागपुर और भंडारा डिस्ट्रिक्ट को। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 705 मीटर, जो नागपुर में स्थित रामझूला के कंपेयर में करीब करीब 3.5 गुना है। इनिशियली जब 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इसका स्पैन लेंथ दोनों एंड में 65 मीटर और बीच का चार स्पैन 140 मीटर का होने वाला था, जो बाद में चेंज करके 140 मीटर के 5 स्पैन में फिक्स किया गया। इन पांचों स्पैन में से भंडारा डिस्ट्रिक्ट के साइड में दोनों स्पैन कंप्लीट हो चुका है, बाकी 3 स्पैन्स की काम चालू है। बट बाकी तीनों स्पैन्स की जो मेन पाइलेंस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर इस स्काई गैलरी की बात करें तो ये स्काई गैलरी ब्रिज की रोड से अप्रोक्स 40 मीटर ऊपर बनाया जा रहा है, ताकि आपको पूरी एरिया की एक बेहतर व्यू मिले। एंड सेंटर की इन दोनों पाइलेंस के साथ दो लिफ्ट की सुविधाएं रहेंगी, ताकि आप आसानी से ऊपर तक जा सकें। एंड इस ब्रिज के ऊपर दोनों साइड में पैदल जाने के लिए अलग से सड़कें भी रहेंगी। अगर व्यू की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा नीले बहते हुए वैनगंगा नदी एंड बगल में ही स्थित शिव जी का मंदिर, जो पहले से ही बहुत ही प्रसिद्ध है अंबोरा विलेज में। यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी आम नागरिकों की यातायात रहती है इस मंदिर के दर्शन के लिए। एंड इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट इस ब्रिज में स्पेशल लाइटिंग भी प्रोवाइड कर रही है, सो ये और आकर्षित लगे। सो ओवरऑल गवर्नमेंट का मोटिव ही ये है कि इस ब्रिज के द्वारा अंबोरा विलेज को एक बढ़िया पर्यटन केंद्र में चेंज करना, जहाँ लोग मंदिर भी आए और इस ब्रिज को भी विजिट करें। सिर्फ यही नहीं, इस ब्रिज के बनने के बाद नागपुर, भंडारा और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इनिशियली इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट था 104.85 करोड़, जो बाद में बढ़ता गया। एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल रोड फंड से और एक्स्ट्रा 176 करोड़ रुपीस की अलॉटमेंट किया है। एंड इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में लगी कंपनी है TNT इंफ्रा लिमिटेड, जो कि एक पुणे बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था 2019 में एंड कंप्लीशन पीरियड था 2 साल के लिए, बट कोविड के चलते ये प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुआ। बट एज पर ऑफिशियल गवर्नमेंट जून 2022 तक इस ब्रिज को ओपन करने में सक्षम होंगे। इनफैक्ट PWD ने बेटर कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी चिपली से अंबोरा तक की 25 किलोमीटर रोड को 3.75 मीटर से 7 मीटर तक वाइडनिंग किया है एंड इसको फ्यूचर में 10 मीटर तक भी वाइड किया जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे विजिटर्स की मात्रा बढ़ेगी। तो आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। एंड आपकी एक लाइक हमें और मोटिवेट करेंगी ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाने के लिए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।